उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन्होंने वो झांकियाँ लीं, उनके दर्शन लिए, उन्हें वो फल मिला होगा। राधे राधे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ टॉक विद चैतन्य के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आप सबसे पिछली बार डिस्कस किया था, अपनी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम अब शुरुआत करेंगे एक अपनी यात्रा, एक जर्नी वृंदावन के लिए। वृंदावन के जो मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताऊँ। तो कुछ झांकियाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, दिखाई थी। उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन्होंने वो झांकियाँ लीं, उनके दर्शन लिए, उन्हें वो फल मिला होगा। बांके बिहारी जी का दर्शन, इस्कॉन टेम्पल का दर्शन, कृष्ण बलराम मंदिर भी हम कहते हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, निधि वन, सेवा कुंज, प्रेम मंदिर और अन्य कई स्थान, परिक्रमा मार्ग, यमुना जी। तो अब इस दूसरे एपिसोड में जो हमारा एक सीरीज़ मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज़ चलेगी जिसका था ##, वृंदावन के मंदिर, तो ये दूसरा एपिसोड है। और इसमें मैं आप सबके साथ में चर्चा करूँगा, आप सबके साथ में डिस्कस करूँगा हमारे प्यारे वृंदावन के लाडले बांके बिहारी जी के बारे में। बांके बिहारी नाम लेते ही एक अंदर से जो खुशी मिलती है, एक जो जीभा को, हमारी जो टंग है उसको जो एक अलग सी प्रैक्टिस मिलती है बोलने की, मैं आपको कहूँगा कि हम एक बार बांके बिहारी का नाम ले लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। बांके बिहारी ना सिर्फ हमारे वृंदावन में ही बल्कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में पॉपुलर, पूरे संसार में इनकी प्रख्याति है। हर इंसान जो वृंदावन में आता है वो ये ज़रूर कोशिश करता है कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करे। बांके बिहारी जी को हम ज़्यादातर बिहारी जी के नाम से जानते हैं, परंतु जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर नाम के पीछे एक अर्थ होता है। देर इज़ एवरी मीनिंग इन एवरी वर्ड इन दिस वर्ल्ड। तो उसी तरह से बांके बिहारी जी के पीछे भी एक अलग सा ही अर्थ है। अगर हम इनको फिर से समझें, समझने की कोशिश करें, तो बांके बिहारी, बिहारी तो हो गया जो एन्जॉय करता है, जो रस में डूबा रहता है, जो उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। और अगर हम बात करें बांके की, तो बांके का मतलब होता है जो तीन जगहों से टेढ़ा होता है। टेढ़ा, हमारे कान्हा तो हैं ही टेढ़े से, आप सभी जानते हैं, और वही है हमारे बांके बिहारी। हमारे बांके बिहारी तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए उन्हें त्रिभंग भी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी, जो रहे हैं, ये उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है। बिकॉज ऑफ हिम ओनली आज हम लोगों को उनके दर्शन होते हैं बांके बिहारी मंदिर में। तो जो मैं बता रहा था, हमारे जो बांके लाल हैं ना, हमारे जो बांके बिहारी हैं, वो ना तीन जगहों से टेढ़े हैं। अपने कांधे से या गर्दन से थोड़ा सा उनका टेढ़ापन दिखेगा आपको, थोड़े से वो टेढ़े हैं अपनी कमर से, और थोड़ा सा उनका टेढ़ापन उनके चरणों से दिखता है जब वो खड़े होते हैं, तभी उनको बांके बिहारी भी कहते हैं। कुंज बिहारी भी उन्हें कहा जाता है, जो कुंजों में वास करते हैं, कुंजों में निवास करते हैं, वहाँ इन्जॉय करते हैं। द वन हु एन्जॉयज द इन द ग्रूव्स, जो कुंज में इन्जॉय करते हैं, वहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ, अगर हिस्ट्री में चलूँ कि कैसे आए बांके बिहारी इस धरती के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं हमारे श्यामा श्याम श्रीकुंज बिहारी, हमारे राधा रानी, हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे श्याम कृष्ण जी, दोनों खुद स्वयं उस विग्रह में पधारे। उस विग्रह को स्वामी श्री हरिदास जी को उन्होंने प्रदान किया। तो हुआ यूँ था कि निधिवन जो जगह है, निधिवन पे हमारे जो स्वामी हरिदास जी हैं वो पाठ पूजा किया करते थे, और उन्हीं के साथ ही यूज़ टू चैन देयर, ही यूज़ टू मेडिटेट देयर, एंड ही हैड हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य वहाँ उन्हीं के साथ रहते थे। तो एक दिन जब उनके, और वो कुंज बिहारी जी को बड़ा मानते थे हमारे स्वामी हरिदास जी,
तो एक दिन उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्यों ने उन्हें प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुवर, अगर आपकी कृपा हो तो कुछ पद सुन लिए जाएं आपसे, तो मैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, हमें बहुत सुकून मिलेगा आपके मुख से अगर पद सुने। अब पद उनके मुख से सुनना एक ये भी है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी जो हैं वो एक बहुत अच्छे, मैं कहूँ ही वॉज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो, स्वामी हरिदास जी। अगर आप लोगों ने सुना हो तानसेन, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ तानसेन, वन ऑफ द म्यूजिशियन, वन ऑफ द सिंगर इन अकबर्स पैलेस, अकबर के यहाँ पे तानसेन जी जो थे वो हमारे स्वामी हरिदास जी के शिष्य ही थे एक। और हमारे स्वामी हरिदास जी और कोई नहीं है, ये हमारे ललिता सखी हैं, हमारी जो श्यामा शाम की सेवा में जो हमेशा तत्पर रहती थी ललिता सखी द्वापर युग में, ये वही ललिता सखी हैं जो अब जाकर स्वामी हरिदास जी के रूप में आए, पधारे हैं इस धरती के ऊपर। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पद सुनाऊँ। तो जब स्वामी हरिदास जी ने अपने मुख से उन पदों को सुनाया और उनके जो शिष्यों ने जब उसे श्रवण किया, तो आप ये मानिए कि उनके भक्त तो भाव विभोर हुए ही। दे वर सो मच इनटू एक्सटेसी ऑफ लिसनिंग टू दोज पदास कि धीरा स्वयं वहाँ पर श्यामा श्याम भी अपने आप को रोक ना पाए और वो भी वहाँ पर प्रकट हुए। वो भी वहाँ पर प्रकट होकर हमारे स्वामी श्री हरिदास जी को दर्शन दिए उन्होंने। और यहाँ तक कि इतना तेज था उनके अंदर, इतनी सुंदरता थी हमारे प्रिया प्रियतम की, कि कोई भी उन्हें ज़्यादा समय तक निहार नहीं पा रहा था। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने उन्हें प्रार्थना की, उन्हें प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, हे प्रिया प्रियतम, आप कृपा करके ऐसे रूप में आए कि हम जन्मों जन्मांतर तक आपके भक्त, जन्म जन्मांतर तक आपके दर्शन कर सकें, आपके इस रूप को निहार सकें। तब जाकर दोनों श्यामा श्याम दोनों के दोनों एक हो गए। एंड दे अगेन प्रूव्ड, उन्होंने वापस से ये प्रूव किया, ये वापस से साबित किया उन्होंने कि वो एक प्राण तो देह, दे आर जस्ट वन सोल बट टू बॉडीज। कहते हैं ना, राधे बिन श्याम है आधे, बस वही हुआ। और इस प्रकार हमारे सामने आज हम लोग जिन्हें देख सकते हैं, हमारे बांके बिहारी जी श्याम वर्ण में, जो एक सुंदरता प्राकट्य दिखता है हमें उनका, श्याम रंग है उनका और साथ में सुंदरता भी है उनके अंदर, तो वो दोनों हमारे श्याम और श्याम का रूप ही हैं, सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं, खुद से प्राकट हुए हैं ये हमारे बांके बिहारी। और इनका प्राकट्य निधिवन में हुआ, जो मैं आपको जिस समय, जिस वीडियो में आपको मैं निधिवन के बारे में बताऊंगा, तो निधिवन के उस स्थान का भी आपको मैं जिक्र करूंगा, आपको दर्शन कराऊंगा जहां पर हमारे बांके बिहारी प्राकट्य हुए थे। और अब हम जहां दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के, लगभग 1862-1864 यानी 1862-1864 के आसपास मंदिर का निर्माण हुआ। और बांके बिहारी जी जो थे वहाँ से मंदिर में उनको लाया गया। स्वामी श्री हरिदास जी जो थे, उन्होंने बांके बिहारी जी की सेवा अपने सबसे प्यारे शिष्य, अपने छोटे भाई जगन्नाथ गोस्वामी, गोस्वामी जगन्नाथ जी को दी गई। और आज ये माना जाता है कि जो उनके आगे, उनके जो हमारे गोस्वामी, जितने भी आप देखते हैं मंदिर में जितने भी गोस्वामी हैं, हमारे जो जगन्नाथ गोस्वामी जी थे वो उनके पूर्वज ही हैं। और आज हम जब चाहें, जहाँ चाहें दर्शन कर सकते हैं बांके बिहारी जी के। एक और चीज़ आप देखेंगे, बांके बिहारी जी के यहाँ दिन में तीन हम लोग कहते हैं उनके दर्शन अलग अलग तरह से होते हैं। सुबह होता है उनका श्रृंगार दर्शन, उसके बाद होता है उनका राजभोग दर्शन, उसके बाद रात्रि में होता है शयन दर्शन। मंगला दर्शन नहीं होता है, देर इज़ नो मंगला आरती इन बांके बिहारी। देर इज़ वन रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कि श्री हरिदास जी वॉन्टेड, श्री हरिदास जी जो थे वो चाहते थे कि मेरा जो छोटो सो बांके बिहारी है ना, उसको
जल्दी नहीं उठाना है मुझको, वो आराम से सोता रहे। मुझे मंगला का नहीं है कोई कि सुबह सुबह उसको उठाकर मंगला की जाए, आराम से उठे, आराम करे मेरा बांके लाल। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो दर्शन होते हैं ना, वो दर्शन साल में सिर्फ एक बार मंगला होती है और वो होती है जन्माष्टमी पर। बाकी मंगला आरती जो है वो बांके बिहारी जी में नहीं होती है। मेरी तरफ से ये जहाँ थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था मैंने बांके बिहारी जी का, फ़ोटोज़ खींचना देर आर नॉट अलाउड, फ़ोटोज़ आर नॉट अलाउड इन द बांके बिहारी टेम्पल, परंतु फिर भी काफ़ी बार खींच जाती हैं, लोग खींच लेते हैं, इसीलिए शायद से मैं आपको अंदर के दर्शन तो शायद ना करा पाऊँ विग्रह के, परंतु आपको मंदिर के बाहर के दर्शन अवश्य कराऊँगा इस वीडियो के अंत में, ताकि आप घर में बैठे बैठे मानसिक रूप से आप दर्शन कर सकें। यू कैन प्रे फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से प्रार्थना कर सकें बांके बिहारी लाल को कि हे बांके बिहारी, हम बस अब तेरे ही सहारे हैं, जो भी कष्ट हम इस दुनिया में सह रहे हैं उसे दूर कर और कृपा करो कि हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दर्शन कर सकें, तुम्हारे पास बैठ सकें और तुम्हारे लिए भजन गा सकें, तुम्हारे लिए नाच सकें। बस यही प्रार्थना चलती रहे तो अवश्य बांके बिहारी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, और बहुत जल्द आप लोग वृंदावन आएँ तो कृपा करके अवश्य दर्शन कीजिए। यू मस्ट टेक दर्शन ऑफ बांके बिहारी लाल जी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का इस अंत करता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।